हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इग्नू एमईसी कोर्स, जो कि है मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स, और यू कैन से मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि सारी लेटेस्ट एंड कम्प्लीट डिटेल्स आपको मिल सके इस कोर्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, ड्यूरेशन या सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो यू विल गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिससे कि अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइज, फर्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इसमें डिस्कस करेंगे हम एलिजिबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, एलिजिबिलिटी बोल लीजिए या क्वालिफिकेशन बोल लीजिए, तो कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है अगर आप इग्नू के एमईसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर्स डिग्री ऑब्टेन की हुई है, या फिर आपके पास कोई हायर डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इग्नू के एमईसी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जो आपका इग्नू का मास्टर्स ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स कोर्स है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री अवेलेबल है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसमें आपका कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, इसमें आपका कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, डिग्री होनी चाहिए जिसमें आप यू नो पास्ड हो, बैचलर्स डिग्री तो आपका सफिशिएंट है, आप इस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एग्ज़ाम। तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप अपनी इस पढ़ाई को कर सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं। तो आपके दो लैंग्वेजेस में ये कोर्स अवेलेबल है, इंग्लिश में और हिंदी में। दोनों में से कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए या फिर अपने स्टडी के लिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश और हिंदी दो ही लैंग्वेजेस आपके अवेलेबल हैं इस कोर्स के लिए। अब बात करेंगे ड्यूरेशन की। तो गाइस, मिनिमम आपका जो ये कोर्स है वो 2 साल का है, तो मिनिमम जो ड्यूरेशन है इस पर्टिकुलर कोर्स की वो 2 इयर्स है, और मैक्सिमम आपकी है 5 इयर्स। ठीक है, मिनिमम 2 इयर्स, मैक्सिमम 5 इयर्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपका किसी रीज़न से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते या फिर एग्ज़ाम दे नहीं पाते, तो इग्नू में आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि 5 साल के अंदर अंदर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल इन इग्नू। सो आपको ये तो पता चल गया, मिनिमम 2 साल का कोर्स है, मैक्सिमम 5 साल में आप फिनिश कर सकते हैं। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते तो आप री एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन तब आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है रेड कलर में, दिस कोर्स इज़ ऑफर्ड इन बोथ जनवरी एंड जुलाई साइकिल ऑफ एडमिशन। तो इग्नू में एडमिशन आपके जुलाई में भी होते हैं एंड जनवरी में भी होते हैं, तो दोनों साइकिल में आपका इग्नू का एमईसी कोर्स अवेलेबल है। तो आप चाहें तो जुलाई के साइकिल में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो जनवरी का जो एडमिशन साइकिल आता है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो लास्ट डेट अपडेटेड है इग्नू की तरफ से टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स इन दिस पर्टिकुलर जुलाई सेशन, वो है आपकी 31 जुलाई तक। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जुलाई 31 तक आपका ये एडमिशन ओपन है, इसमें एक्सटेंड हो सकता है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट, बट येस अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आई गिव यू फर्दर अपडेट्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर आपकी कोई भी एक्सटेंशन होती है एडमिशन डेट में तो आई लेट यू नो। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है फ़ी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टोटल कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो टोटल फ़ीस है इस प्रोग्राम की वो है आपकी 14,400। ठीक है, 14,400 रुपये है जो कि टोटल फ़ी है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। आपको एक साथ नहीं पे करनी, 2 साल का कोर्स है, तो पहले साल में आपको पे करनी है 7,200 और सेकंड ईयर में आपको पे करनी होगी रिमेनिंग 7,200। ठीक है, एंड इसके अलावा गाइज एग्ज़ाम के टाइम पर आपको एग्ज़ाम फ़ीस अलग से पे करनी पड़ेगी, जो कि होगी 150 रुपीज़ पर एग्ज़ाम। बाद में कोई भी अपडेट आती है या फिर एग्ज़ाम फ़ीस में रिविजन होता है, आई लेट यू नो थ्रू अ सेपरेट वीडियो।
ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन पीरियड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहें। ओके, तो बात करेंगे इसके आगे हम अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट यू नो टॉपिक के बारे में जो कि है सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो कौन से सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर में एंड कौन से सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे सेकेंड ईयर में, आई विल लेट यू नो अबाउट इट। तो सबसे पहले आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स आ चुके हैं आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, जिस पर आपको 6 क्रेडिट मिलेंगे और कोर्स का कोड है MEC 101। ओके, सेकेंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, क्रेडिट आपका मिलेगा इसमें 6 और इसका कोर्स कोड है MEC 2। ओके, नाउ बात करेंगे थर्ड सब्जेक्ट की जो कि है क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्रेडिट हैं आपके 6, सब्जेक्ट का कोर्स कोड है MEC 103। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्रेडिट आपको मिलेंगे 6 और कोर्स कोड है MEC 4। और पांचवा और आखिरी सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में इन दी MEC कोर्स ऑफ इग्नू वो है इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, क्रेडिट आपके इसमें है 6 और कोर्स का कोड है MEC 105। तो सारे सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के होंगे। ओके, एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको असाइनमेंट्स भी बनाने होंगे, उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। ओके, अब बात करेंगे सेकेंड ईयर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो सेकेंड ईयर में मैं आपको बता दूं कुछ आपके सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे, कुछ आपके ऑप्शनल होंगे, तो उनके बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर में वो सब्जेक्ट्स जो आपके कंपलसरी होंगे, जिनमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी, वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके कंपलसरी हैं, इसके अलावा आपके पास 2 अदर सब्जेक्ट्स और चूज़ करने का ऑप्शन होगा, वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। तो हमारा जो सबसे पहला कंपलसरी सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का वो है पब्लिक इकोनॉमिक्स, जिसका क्रेडिट है 6 और कोर्स कोड है MEC 6। सेकेंड सब्जेक्ट है आपका इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, क्रेडिट आपको मिलेंगे इसमें 6, कोर्स का कोड है MEC 7। और थर्ड हमारा जो इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का वो है इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट, क्रेडिट है आपके 6 और कोर्स का कोड है MEC 108। एंड चौथा आपका जो सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है सेकेंड ईयर में वो है आपका रिसर्च मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, क्रेडिट है 6 और कोर्स का कोड है MEC 109। ओके, तो ये थे हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो कि सेकेंड ईयर में आपको पढ़ने हैं। नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि आपको सेकेंड ईयर में मिलेंगे, तो उनमें से आपको चूज़ करना है। तो बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं आउट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। तो 7 आपके सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, 5th और 6th आप देख सकते हैं येलो कलर से हाईलाइटेड है। अगर इन दोनों सब्जेक्ट में से आप कोई एक चूज़ करना चाहें तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको दोनों सब्जेक्ट साथ में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो या तो आप सबसे पहला जो कोर्स कोड है हमारे सब्जेक्ट का वो है MEC 1 इकोनोमेट्रिक मेथड्स, ठीक है, क्रेडिट आपके 6 हैं, ये ले सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट है MEC 3 जो कि है एक्चुअरियल इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस, क्रेडिट है 6। थर्ड आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है आपका फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट, क्रेडिट है 6, MEC 4 इसका कोर्स कोड है। चौथा आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, क्रेडिट उसमें भी आपको 6 मिलेंगे, MEC 101 जो कि आपका कोर्स कोड है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। पांचवा जो आपका सब्जेक्ट है वो है विमेन इन दी इकोनॉमी, क्रेडिट आपको इसमें मिलेंगे 8, MWG 11 इसका कोर्स कोड है। जैसा कि मैंने आपको बताया पांचवा और छठा जो सब्जेक्ट है वो आपको कंबाइन देना पड़ेगा, तो आप कोई सिंगल इनमें से चूज़ नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा जो येलो कलर में हाईलाइटेड है इनमें से आपको कोई एक कोर्स नहीं मिलेगा, आपको दोनों ही लेने पड़ेंगे अगर आप इनको चूज़ करते हो तो। नेक्स्ट हमारा जो 6th नंबर पर कोर्स कोड है वो है आपका MGSE 9, जिसका नाम है सब्जेक्ट का जेंडर इश्यूज़ इन वर्क एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, इसका क्रेडिट आपका स्कोर है 4। एंड लास्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका डेवलपमेंट इश्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव, कोर्स का कोड है MEDSE 46 और कोर्स का क्रेडिट आपको 6 मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4 और 7 इनमें से या तो कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर, या फिर 5 और 6 को कंबाइन करके आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप इग्नू के सेकेंड ईयर के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करना चाहते हैं तो। ओके,
आई होप दोस्तों कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, और अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा जुलाई 2019 सेशन में। और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, आई गेट बैक टू यू ऑन दैट। ओके, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।